धन जब आता रहे और कम से कम उसका 20% कम से कम धर्म के नाम पे जाता रहे तो बड़ा शुभ होता, क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय वीर। कुएं से आप एक साल तक पानी न निकालो, पानी भरा रहे तो महाराज वो पानी पीने लायक नहीं रहता। इसी तरीके से इकट्ठा किया हुआ धन किसी काम का नहीं होता। अब ये नहीं कह रहे भागवत कराओ, घर में छोटे मोटे धर्म के कार्य आप करते रहो ताकि वो धर्म के कार्य में आपका पैसा थोड़ा बहुत जाता रहे, क्योंकि जीवन पर्यंत तक आदमी पूरे जीवन में आदमी कथा नहीं करवा पाता तो भागवत तो बहुत बड़ी चीज है। इतने बड़े बड़े धनवान पड़े हैं वो जिंदगी में कुछ इतना नहीं कर पाते, तो भागवत तो महाराज बहुत बड़ी चीज है। सती बोली कि मुझे जाना है, भोले बाबा कहने लगे नहीं जाओगी, और मैं भी देखता हूं तुम कैसे जाती हो, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। और सुनो कि भंगिया कोई पे गुटवाऊ नो मेरी नारी बिजनी, भंगिया तोई पे घुटवाऊ मेरी नारी जोगी, दिन भर में कछ काम करे ना पड़ी पड़ी घुरावे, देखो 15 मिनट बाद आरती को टाइम है, मेरे टाइम मिल लो वारे जैनपुरा महाराज कहते हैं कि बोली सती कि मैं जाऊंगी, भगवान ने त्रिशूल उठाया और जमीन पे गाड़ दिया, बोले मैं भी देखता हूं तुम कैसे जाओगी। और सुनो वो काव सुनिए बिना बुलाए आए हमें ना बाए, वहां जाओगी जहां पति का अपमान होता हो, वहां पत्नी को जीवन में कभी कदम नहीं रखना चाहिए, जहां पति न जाए वहां औरत को नहीं जाना चाहिए। बोले मैं तो जाऊंगी। सती बोली गुरु के यहां बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं, पिता के यहां बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं, और वैद्य के यहां बिना बुलाए चले जाओ कोई बात नहीं। भगवान बोले रे पगली इन तीनों के यहां तेरा कोई अपमान कर दे तब तुम क्या करोगी। बोले वो कुछ भी हो और ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं बबलू यादव भैया, 100 रुपए रिंकू यादव भैया जैनपुरा। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, किसी भी बात की कमी न हो,
धन के भंडार गोविंद वर्धनी है विलासा और आकांक्षा है। एक होरी थोड़ी सी सुन ली, बाकी बाद में आगे कथा। रई भरता